विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा 420 वोल्ट का जबरदस्त झटका, भाजपा में मची खलबली। उत्तराखंड में मतदान की तारीख करीब आने से पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। गुरुवार को विधानसभा चुनाव से पहले टिहरी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि टिकट कटने की वजह से नाराज धन सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। गुरुवार को देहरादून में धन सिंह नेगी ने कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। उधर कांग्रेस ने उत्तराखंड इकाई के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद किशोर उपाध्याय भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अभी तक टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने गुरुवार को प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इसके तहत कोटद्वार से ऋतुभूषण खंडूरी, केदारनाथ से शैला रानी रावत, झबरेड़ा से राजपाल सिंह, पिरन कलियार से मुनीश सैनी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआ से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला और रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बुधवार को 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया है। वे पहले नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब उन्हें नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से टिकट दिया गया है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से गौरव चौधरी, ज्वालापुर से रवि बहादुर और कालाडुंगी से महेश शर्मा को हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी घोषित किया गया है।